गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल सेफ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट संस्कृत, चैप्टर नंबर 9, भाषा सजता। ओपन योर बुक एंड टर्न आउट द पेज नंबर 44। राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति, मम माता गायति, दया फलं ददाति। Read the above sentences carefully. In any sentence, nouns and verbs are most important. The meaning of the sentence depends on these two terms. The noun is joined with verb in various relationship in a sentence. This relation is joined using cases. This way, cases link to join the various terms. Nouns are joined with verbs in six ways by six cases. केसेस यानी कि विभक्ति। मोरेवर टू एड्रेस समवन लोकेटिव केस इज यूजिंग। अगर हमें किसी को एड्रेस करना है तो वो लोकेटिव केस का हम यूज़ करते हैं। लोकेटिव केस यानी कि अधिकरण विभक्ति। सिक्स्थ केस मीन्स जेनेटिव केस विच जॉइंस वन नाउन विथ अनदर नाउन। जेनेटिव केस यानी कि संबंध विभक्ति जो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ ज्वाइन करती है। अब ये जो सेंटेंस है उसमें पहले दिया गया है कि नाउन इज यूज्ड विथ वर्ब्स इन वेरियस रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। अब आप देख रहे होंगे वर्ब्स और नाउन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। राकेश है वो एक नाउन है और क्रीडति वो एक वर्ब है। क्रीडति यानी कि प्लेइंग। राकेश क्रीडति या That means राकेश is playing। तो आपने देखा कि जो noun और verbs हैं वो एक दूसरे के साथ join किए गए हुए हैं। Introduction of cases, cases यानी कि विभक्ति। अब यहाँ पे कुछ विभक्ति है, विभक्ति वो है वो total 7 हैं। First nominative, nominative यानी कि कर्ता, doer of the action और subject। जैसे कि गज, गज है वो एक कर्ता है यानी कि वो डूअर है, कुछ वो जो कुछ करता है उसे बोलते हैं। सेकंड है एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, दैट मीन्स कर्म। गजम, गजम दैट मीन्स टू द एलिफेंट। जब हम किसी के लिए करते हैं, कोई काम करते हैं तो वो होता है कर्म, कि हम क्या कर रहे हैं। थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्शन, गजिन बाय द एलिफेंट यानी कि करण। अब किसके द्वारा वो हुआ है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, और वो है थर्ड विभक्ति यानी कि थर्ड केस। फोर्थ केस डेटिव यानी कि संप्रदान, वन ऑफ वन फॉर दैट द एक्शन हैपन। अब किसके लिए जो कर्म है वो हैपन हुआ यानी कि वो उसको बनाया गया है, वो हुआ है। गजाय फॉर द एलिफेंट मतलब कि उसके लिए हुआ है, फॉर द एलिफेंट यानी कि एलिफेंट के लिए हुआ। फिफ्थ है एबिलेटिव यानी कि अपादन, द प्लेस फ्रॉम विच इज डिपार्ट। गजा फ्रॉम द एलिफेंट। सिक्स्थ है जेनेटिव जो कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा, वन विथ वोम इट हैज़ रिलेशन, जिसके साथ कोई रिलेशन हो, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन हो तो वो बन जाता है गजस्य। सेवन्थ है लोकेटिव, द सोर्स और बेस ऑफ द एक्शन, ऑन द एलिफेंट। गजे यानी कि ऑन द एलिफेंट वो उसका एक जो लोकेशन है वो आपको बताता है। फिर है संबोधन एड्रेस, वूम टू टॉक, किसके लिए बात की जा रही है, किसके लिए रिलेशन बनाया जा रहा है। हे गज, हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा है कि वो हे वो जो है वो हम बात करने से पहले किसी एक नाउन के आगे लगाते हैं। तो एलिफेंट है वो एक नाउन है तो उसके आगे हमने लगाया हे यानी कि ओ। With the study of the above table of case, sentences of Sanskrit can easily be understood.
With the help of the above table, find out the sentences from the book in which different cases have been used and not them. रामः बालः नृपः साला लता माला वनं पुस्तकं धनं. Classify the above nouns in masculine, feminine and neuter gender. In Sanskrit, some nouns end with vowel. End with vowel, that means राम है, अगर हम उसको join अगर हम उसके parts करेंगे तो क्या होगा, र plus आ प्लस म प्लस अ, तो वो पूरा जो संधि बनेगी वो क्या बनेगी, राम. तो राम के पीछे अ आता है तो वो हुई वॉवेल. नाउन्स एंडिंग विथ वॉवेल्स आर कॉल्ड वॉवेल एंडिंग. अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द वॉवेल एंडिंग, तो आपको ये लिखना है, नाउन्स एंडिंग विथ वॉवेल्स आर कॉल्ड वॉवेल एंडिंग एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग. जो वॉवेल जो भी वर्ड्स है वो अगर कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है तो उसको कॉन्सोनेंट एंडिंग बोलते हैं, और अगर वो वॉवेल के साथ एंड होता है तो उसको वॉवेल एंडिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वन, ये जो वन के नीचे लाइन है वो नहीं आएगी, वो गलती से टाइप हो गई है, ठीक है. फिर है वन अ, तो हम बोलेंगे व अ न अ, तो पूरा क्या होगा वन. फिर है बाला, तो बाला का क्या आएगा अगर हम उसको कट करेंगे तो ब आ ल आ, तो क्या बनेगा पूरा बाला. उसके जैसा ही है साला, स आ ल आ, तो इसमें क्या आता है, वॉवेल्स आते हैं सब में, अ आ ए ई, वो हमारे वॉवेल्स हैं. वाई भगवत वाक मरुत. अब आप देख रहे हैं भागवत के त के नीचे उसके नीचे एक हाफ लाइन दी गई है, उस वो बताते हैं कि वो हाफ वर्ड है, यानी कि उसके बाद कोई भी अ नहीं आता है. जैसे हमने राम बोलेंगे तो राम म पूरा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अ बोलेंगे, लेकिन त के बाद हम अ नहीं करेंगे. भ प्लस अ, घ प्लस अ, व प्लस अ और त को हम वैसा ही रहेंगे, तो वो त जो है वो कॉन्सोनेंट है. वैसे ही वाक, व प्लस आ और प्लस क, उसके बाद क के पास अ नहीं आता है, वाक वो सिर्फ क ही रहता है, उसके पास अ हम उसको लंबाते नहीं है. जैसे कि हम राम बाल रूप ऐसे, वैसे ही हम भगवत ऐसे नहीं कहते हैं, भगवत वाक मरुत आर कॉन्सोनेंट एंडिंग. इन संस्कृत केसेस ऑफ ईच नाउन आर सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल. Try to understand the following illustrations. Keep in mind the declensions which are mostly used in communicative language are in bold letters. अब पहला ही है राम, जो कि masculine noun है और जो ending होता है अ के साथ, यानी कि ये vowel ending word है. अब पहले जो टेबल है वो है विभक्ति का, यानी कि केस का. फिर है एक वचन यानी कि सिंगुलर, द्विवचन यानी कि ड्यूअल और बहुवचन यानी कि प्लूरल. फर्स्ट केस दैट मीन्स राम, वो फर्स्ट जो है वो जो वैसा होता है वैसे का वैसा ही आता है. पहले हम सिंगुलर का देखते हैं, फिर सेकंड है उसमें आएगा म, जो कि हाफ म होता है, जिसको गुजराती में कहते हैं खोड़ा. खोड़ा यानी कि जो हाफ होता है वो, उसके पास उसके बाद कोई भी वॉवेल नहीं लगता है, वो कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट ही रहता है. फिर है थर्ड रामेण, फोर्थ का हो जाएगा रामायण, पंचमी में हो जाएगा रामात, षष्ठी जो हमने सिक्स्थ केस देखा था रामस्य, सप्तमी रामे, और अगर संबोधन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, हे राम, ठीक है. ये विभक्ति है, ये इस पे डिपेंड होती है, इंट्रोडक्शंस ऑफ केसेस पे, केसेस के बेस पे डिपेंड होती है. जैसे कि नॉमिनेटिव है तो वो गज का गज आएगा, फिर एक्यूजेटिव होगी तो वो गजम हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल होगी तो गजन हो जाएगी यानी कि बाय द एलिफेंट, फिर डेटिव होगी तो वो गजाय हो जाएगी, फॉर द एलिफेंट,
ठीक है। इसी तरह से ये है राम, फिर रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, एंड लास्ट वन संबोधन यानी कि हे राम। सेकंड है द्विवचन, जो कि दो लोगों के लिए बात की गई हो। रामो, राम का क्या हो जाएगा, रामो, फिर रामम का भी रामो ही रहेगा, रामेण का हो जाएगा रामाभ्यम, रामाय का भी होगा रामाभ्यम, और रामात का भी होगा रामाभ्यम, रामस्य का होगा रामयोहो, रामे का होगा रामयोहो, हे राम का होगा हे रामो। अगर हम उसको बहुवचन में देखें यानी कि प्लूरल में देखें तो राम का हो जाएगा रामाहा। यहाँ पे रामाहा कोई लड़की का नाम नहीं है लेकिन उसको प्लूरल में बोला ऐसे जाता है, ठीक है। फिर रामम का रामम ही रहेगा, सॉरी रामम का रामन हो जाएगा, रामेण का रामेह हो जाएगा, रामाय का रामेभ्य हो जाएगा। अब देखो द्विवचन में रामाय का रामाभ्यम होता है और बहुवचन में रामेभ्य होता है, फिर रामात का भी रामेभ्यम होगा, रामस्य का रामाणाम होगा, रामे का रामेशु होगा, और हे राम का हे रामा होगा। राम एंडिंग इन अ इज अ मस्कुलर नाउन फ्रॉम द डिक्लेशन ऑफ बाल नृप मकर फॉलोइंग दर्स ऑफ राम। वैसे ही बाल का भी होगा, नृप का भी होगा और मकर का भी होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, राम प्रथमा विभक्ति में राम ही बाल ही रहेगा, द्वितीय में होगा बालम, तृतीय में होगा बालेन, ठीक है। वैसे ही चेंज होते रहेंगे। एंडिंग इन आ है वो है फेमिनाइन यानी कि अब बाला, जैसे हमने पहले राम का किया अब हम फेमिनाइन का देखेंगे, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में होगा बाला, ड्यूल में होगा बाले, और प्यूलर में होगा बालाहा। सेकंड में होगा बालम, ड्यूल में होगा बाले, और प्यूलर में होगा बालाहा। तो वैसे ही ये जो है चेंज होते रहेंगे, ये चेंजेस हैं कि अगर मस्क्यूलाइन में क्या चेंजेस हैं, फिर फेमिनाइन में क्या चेंजेस है, उसी तरह से न्यूटन नाउन में भी क्या चेंजेस है। न्यूटन नाम में सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और सीधा संबोधन ही आएगा, उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ विभक्ति को यूज़ नहीं किया जाता है, वो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और डायरेक्टली रिलेशन जो होता है वो होता है, ठीक है। द रिमेनिंग डिक्लेशन विल बी अकॉर्डिंग टू मस्कुलर नाउन फ्रॉम द डिक्लेशन ऑफ पुस्तक, फल एंड पात्र अकॉर्डिंग टू वन। उसी तरह से वन के जो आपने देखे उसी तरह से आपको पुस्तक और फल और पात्र के भी बनाने हैं, वो जो ये जो नाम है वो है न्यूटर नाम है। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे, दूसरा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।